नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं। यहां इस समय स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता ही पकड़ा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर को शुरू किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ये बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, यहाँ पर कचड़े का ढेर है। इस शहर के अंदर इतनी गंदगी को नगर निगम साफ नहीं कर पा रहा है। इतना अमला काम कर रहा है, इतना पैसा खर्चा कर दिया जा रहा है, इसके बाद भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कितनी गायें कचड़ा खा रही हैं, पन्नियाँ खा रही हैं, उस वजह से बीमारियाँ फैलेंगी। गाय भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्मार्ट सिटी का क्षेत्र है, ये जवाहर चौक एरिया है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो सरकारी बिल्डिंगें थी उनको तोड़ा गया है, और यहाँ पर नगर निगम लगातार कचड़े ला के डंप कर रहा है शहर का। और कोई ये कचरा कोई आम व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को मिली भगत से किया जा रहा है। ये कचरा आदमपुर खंती ले जाने का निर्देश है उनको, उसका डीजल मिलता है, उसका पैसा मिलता है। कहा जा रहा है कि डीजल चोरी करने के उद्देश्य से ये कचरा यहाँ डंप किया जाता है, जो कि ये बीमारियों का घर भी बन रहा है। इस समय मैं बता दूं कि अभी हाल ही में इतना बारिश हुई है, उसके बाद जगह जगह मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। एक तरफ नगर निगम फॉगिंग कर रहा है, दूसरे तरफ यहाँ बीमारियां फैलाने के लिए कचरा भी डंप किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों से हमने बात की, सबका कहना है कि नगर निगम ही डाल के कचरा जाता है यहाँ पर, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कई बार शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई गंदगी फैल रही है लगातार। आप देख सकते हैं किस तरह की गंदगी यहाँ फैली हुई है। इसके लिए हम कई लोगों से बात भी कर चुके हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि यहाँ गंदगी डाल के नगर निगम जाता है और उसके बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर गायें पन्नियाँ खा रही हैं, ये बीमारी फैला रही है, लगातार बीमारी फैल रही है। आप देखिए यहाँ इतना गंदगी फैल रही है, और यहाँ गाय भी ये कचरा खा रही है, पन्नियाँ खा रही हैं। इस पर आपको क्या लगता है, इस क्षेत्र में क्यों गंदगी कौन फैला रहा है? ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश जो है वो नगर निगम की है, क्योंकि नगर निगम के पास इतने साधन होने के बाद भी गंदगी फैल रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये गंदगी फैल क्यों रही है। क्योंकि सुबह गाड़ी कचरा उठाने आती है, दिन में गाड़ियां कचरा उठाने आती हैं, लेकिन आप इस चीज देखेंगे मेरे पीछे जस की तस है। यहाँ पर एकदम देखिए आप, पन्नियां पड़ी हुई हैं, गाय कचरा खा रही थी, गाय कचरा खा के चली गई। साइड में उल्टे आप तो देखेंगे पूरी बहुत सारी गायें बैठी हुई हैं, और यहाँ कचरा खाने के लिए वो मजबूर हैं, क्योंकि मजबूर नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि नगर निगम की गाड़ियाँ जो आती हैं वो यहाँ कचरा फेंक के जाती हैं, और गाय उस कचरे को खाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो डीजल चोर गैंग है नगर निगम का, ये सक्रिय है, और इसके ऊपर में बड़े अधिकारी जो हैं उनको भी हिस्सा पहुँचता है, इसलिए वो आँख बंद करके बैठे हुए हैं। चाहे आप पीआरओ के पास जाके कभी शिकायत करी, हमने भी कई बार शिकायत की नॉर्मल व्यक्ति होने के नाते कि भाई चलो भाई इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, उनको तो वो थोड़ी देर के लिए सफाई होती है और फिर नाम की और फिर वापस चल जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे नगर निगम का एक बहुत बड़ा जो है डीजल चोर गैंग जो है, और उसमें नीचे से लेकर सारे के सारे अधिकारी मिले हुए हैं। और यही वजह है कि नगर निगम जो आदमपुर छावनी नगर निगम ने बनाई हुई है, क्या नाम है, राशन रोड पर जो एक पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ गाड़ियाँ ना कचरा फेंकते हुए ये जगह जगह ऐसे पूरे भोपाल में आपको कई जगह मिल जाएंगी। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील की है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी को उसके ऊपर जुबी नहीं देख रही है। ये क्या स्मार्ट सिटी क्षेत्र, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर जो मकान बने हुए थे नगर निगम ने तोड़ दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के लिए घोषणा की थी, लेकिन आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी के मकान तो तोड़ दिए गए, मगर स्थिति क्या है, वहाँ झुग्गियाँ वापस निर्मित हो गई हैं, नगर निगम ने ही वापस वहाँ झुग्गियाँ बना दी हैं, सिलेंडर खाली हो रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि कितना कचरे का ढेर है, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप खुद जाके देखें कि यहाँ पर कितना कचरे का ढेर है, और इसका पीछे की पूरी की जिम्मेदारी वो प्रशासन की है, और नगर निगम मुझे लगता है कि इसमें जान पूछ कर, मतलब जिसको पता है कि यहाँ कचरा डल रहा है उसके बाद भी अधिकारी नाक बंद करके, और मैंने सुना है कि हमारे जो कमिश्नर महोदय हैं वो सुबह 5 बजे उठ के पूरे हमले के साथ निकलते हैं। मुझे नहीं लगता वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो जाते होते तो ऐसी स्थिति भोपाल की ना होती, क्योंकि भोपाल एक बहुत अच्छा सुंदर खूबसूरत शहर था, हरियाली का शहर था, जो आज कहीं ना कहीं कचरे के ढेर में बदलता जा रहा है। आप यहीं रहते हैं सर? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम काम करते हैं। पीछे ये जितने भी ढेर लगे हैं ये कौन लगा के जा रहा है? ये पीछे तो पहले नगर निगम वाले ही पटक के गए, वही उठा के भी ले जाते हैं। अच्छा, वही पटक जाते हैं जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। इससे क्या बीमारियां तो फैलेंगी इस समय, यहाँ स्मार्ट सिटी का क्षेत्र है ये। अब बीमारी फैलेंगे वो स्मार्ट सिटी वाले जाने या सरकार जाने, कौन फेंक के जाता है? ये नगर निगम है, वो फेंक के जाते हैं और फिर उठा भी लेते हैं। सुविधा तो कुछ नहीं है, वैसे परेशानी है अपन को, यहाँ दुकान
काम वाम करते हैं। हाँ जी, तो क्या मच्छर वगैरह पैदा हो, बीमारियाँ फैल रही है? फैलती है, क्यों सब फैलता है बीमारी। क्या नाम लिखते हैं आप? गोलू। तो आप, आपने कभी मना नहीं किया? मना करते हैं, लेकिन वीडियो भी बनाई अपन ने कि आगे फेंक दो, यहाँ इसके कचड़ा फेंकने की वो है, लेकिन कुछ वो नहीं है उसमें, एक जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।